तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यार देखो थंबनेल देख के तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि आज की स्टूडियो में क्या होने वाला है। आज की स्टूडियो में बेसिकली मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपना लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, वो भी बहुत ही फास्ट यार। अब देखो गाइस लेवल बढ़ाने का सबसे मेन मकसद ये है कि भाई जब भी आप किसी की लॉबी में जाते हो और बंदे भाई आपका प्रोफाइल ओपन करते हैं तो भाई यार बंदों का सबसे पहले नजर जाता है भाई आपके लेवल पे। अगर भाई आपका लेवल अच्छा हो, लगभग भाई आपका लेवल मान लो जाए 70 से ऊपर भी है, तो भाई बंदों को लगता है कि यार ये बंदा प्रो है, ये भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा है और बहुत दिनों से पबजी खेल रहा है ऐसे टाइप। तो यार आपका लेवल बढ़ा होना चाहिए यार, तभी बंदे आपको थोड़ा प्रो समझते हैं। तो भाई बेसिकली आज की वीडियो में वही बताऊंगा कि आप अपना लेवल कैसे बढ़ा सकते हो। मैं भाई बहुत ही कम खेलता हूँ, फिर भी देख सकते हो यार मेरा लेवल 70 लेवल का है। तो मैं कैसे बढ़ाया भाई अपना लेवल, वो सब चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली भाई आज की वीडियो में आप लोग को 3 टिप्स बताऊंगा यार लेवल बढ़ाने के अपने, और उन तीनों टिप्स को अगर आप फॉलो किए तो भाई आपका लेवल जो है ना वो एकदम 4 गुना स्पीड से बढ़ेगा। तो यार वीडियो को पूरा देखते रहना गाइस। अब वीडियो को पूरा देख ही रहो गाइस, तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो मेरे भाई। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई यार ऐसी खतरनाक खतरनाक वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए गाइस अब वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं यार। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए यार कि PUBG लाइट में आखिर लेवल बढ़ता कैसे है, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब भी आप अपना प्रोफाइल ओपन करते हो तो यहाँ पे भाई आप लोग को एक एक्सपीरियंस पॉइंट देखने को मिलता है, मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप 39,747 बटा 320,940 करके जो पॉइंट दिख रहा ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं भाई EXP पॉइंट या फिर बोल सकते हो एक्सपीरियंस पॉइंट। और जब भाई मेरा जो ये 39,747 पॉइंट है ना, वो जब बढ़ते बढ़ते 320,940 पॉइंट हो जाएगा ना, तब भाई मेरा लेवल 70 से सीधा 78 में चेंज हो जाएगा। तो भाई कुछ इसी प्रकार यार PUBG लाइट का जो हमारा आईडी का लेवल है वो बढ़ता है। अब भाई जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो आखिर बढ़ता कैसे, वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो गाइस जब भी आप गेम में मरते हो या फिर चिकन डिनर निकालते हो तो भाई आपके लास्ट में स्क्रीन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आता है। तो भाई सबसे ऊपर में आप देख सकते हो यार EXP 603 करके लिखा हुआ है। तो भाई यार यही जो EXP पॉइंट है ना, वो भाई जो मैं प्रोफाइल पे दिखाया था आप लोग को देख सकते हो, तो यहीं पे भाई यार आपका जो EXP पॉइंट है ना वो जाके जुड़ते जाता है। तो भाई यार आप PUBG लाइट में जितना ज्यादा मैच खेलोगे ना उतना ज्यादा आपका EXP पॉइंट बढ़ेगा, और भाई EXP पॉइंट बढ़ेगा तो भाई यार जाहिर सी बात है आपका लेवल जल्दी से बढ़ेगा। तो भाई यार लेवल बढ़ाने के लिए यार आपको थोड़ा ज़्यादा मैच खेलना पड़ेगा, जिससे भाई यार आपको ज़्यादा EXP पॉइंट मिले और भाई यार आपका लेवल जल्दी से बढ़े। अब भाई यार कई लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई आपने तो बताया था कि आप कम खेलते हो, बट भाई यार आपका लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ गया करके। तो भाई यार उसका भी राज मैं आज की इस वीडियो में खोल देता हूँ यार। तो देखो गाइस मैं ना बहुत ही कम यार क्लासिक मैच खेलता हूँ, और अधिकतर टाइम मैं आर्केड मोड खेलता हूँ, क्योंकि यार देखो आर्केड मोड में ना आपको ज़्यादा EXP पॉइंट देखने को मिलता है। वो कैसे मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट के जरिए समझा देता हूँ यार। तो गाइस ये वाला स्क्रीनशॉट देखो यार, जिसमें भाई यार मैंने एक मैच क्लासिक खेला और दूसरा मैच आर्केड, और दोनों में भाई मैं #3 पे मर चुका हूँ। और इसमें भाई यार आप देख सकते हो क्लासिक में मेरा EXP पॉइंट मेरे को मिला मात्र 576, वहीं पे भाई यार मैं आर्केड मोड की बात करूँ तो वहाँ पे भाई मेरे को EXP पॉइंट 688 मिला। तो भाई यार आप समझ ही सकते हो कि यार आर्केड मोड में हम लोग को कितना ज़्यादा EXP पॉइंट मिलता है। और भाई जो आर्केड मोड का गेम रहता है यार वो जल्दी खत्म भी हो जाता है कंपेयर टू क्लासिक मैच। तो भाई यार टिप्स नंबर 1 यही है लेवल बढ़ाने का कि यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा यार आर्केड मोड खेलना है। अब भाई अधिकतर बंदे समझ नहीं पा रहे होंगे कि आर्केड मोड किसको बोलते हैं, तो यार उनको मैं बता दूं, जब आप लॉबी पे होते हो तो भाई यार यहाँ पे आप जब मैप सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आर्केड मोड लिखा हुआ है। तो भाई आर्केड मोड में आके आप यहाँ पे देख सकते हो वॉर करके लिखा हुआ है ना, वही मैप को आप लोग को लगा के यार गेम खेलना है। वॉर मोड में यार सबसे ज़्यादा आपका EXP बढ़ता है। तो भाई यार जितना हो सके यार आप लोग को वॉर मोड खेलना है, जिससे भाई आपका ज़्यादा से ज़्यादा EXP पॉइंट बने और भाई यार उतना जल्दी आपका लेवल भी बढ़े। तो भाई यार लेवल बढ़ाने का टिप्स नंबर 2 ये है कि भाई यार आप जब लॉबी पे खड़े होते हो तो यहाँ पे आप लोग को एक मिशन वाला सेक्शन देखने को मिलता है, तो वहीं पे आप लोग को सिंपल से चले जाना है। अब यहाँ पे भाई यार आप लोग को डेली मिशन देखने को मिलता है, जहाँ पे भाई यार आप लोग को कुछ छोटे छोटे मिशन कंप्लीट करने के आप लोग को 200 EXP पॉइंट देखने को मिलता है। तो भाई यार जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि सेंड BP टू 2 फ्रेंड, तो भाई यार जैसे मैं अपने 2 दोस्तों को BP कॉइन भेजूंगा तो यार मेरे को सिंपल सा 200 EXP पॉइंट मिल जाएगा। वैसे दूसरा वाला मिशन देखो यार, जिसमें लिखा है कि डील
डील 200 डैमेज टू एनिमीज इन क्लासिक और आर्केड मोड। मतलब भाई मैं क्लासिक या फिर आर्केड मोड में 200 डैमेज डील करूंगा या फिर 200 डैमेज खाऊंगा तो यार मेरे को 200 एक्सपी पॉइंट देखने मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे मिशन वाले सेक्शन पे डेली आप लोग का यार कुछ छोटे छोटे मिशन देखने मिलते हैं जिनको कंप्लीट करके यार आप 200 एक्सपी पॉइंट इजी टू इजी बढ़ा सकते हो अपना। तो भाई यार आप लोग को डेली मिशन वाले सेक्शन में आके ये जो छोटे छोटे मिशन है ना उनको कंप्लीट कर लेना है जिससे भाई यार आप लोग को 200 एक्सपी पॉइंट बढ़ते जाएगा आपका। और भाई यार एक्सपी पॉइंट बढ़ेगा तो आप समझ ही सकते हो आपका लेवल भी जल्दी बढ़ेगा। तो गाइस लेवल बढ़ाने का टिप्स नंबर 3 जो है ना वो भाई यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टिप्स को यार शायद ही आप लोग को कोई यूट्यूबर बताया होगा। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल ध्यान से देखते जाना गाइस। तो यार टिप्स नंबर 3 को फॉलो करने के लिए यार सिंपल सा आप लोग को अपने इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इन्वेंट्री में आने के बाद भाई यार आप लोग को ईएक्सपी कार्ड तो देखने मिलता ही होगा लेकिन भाई बहुत ही कम बंदे जानते हैं यार कि इसका यूज़ क्या होता है। हाँ गाइस जो आप देख पा रहे हो ना जिसको मैंने क्लिक किया है देख सकते हो 2x ईएक्सपी कार्ड करके लिखा हुआ है। तो भाई यार यही कार्ड का यूज़ बताऊंगा कि यार ये किस काम में यूज़ होता है। वैसे तो भाई यार ये नाम से ही समझ में आ रहा है यार कि ये जो 2x ईएक्सपी करके लिखा है ना तो उससे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हमारा ईएक्सपी रहता है ना उसको डबल कर देता है। मैं भाई आप लोग को एक ईएक्सपी कार्ड यूज़ करके समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे इसको भाई यूज करके लिखा हुआ है ना उसको आप लोग को सिंपल सा क्लिक करना है। अब गाइस जैसे मैं यहाँ पे ओके वाला बटन जो दिख रहा है ना उसको क्लिक करूंगा तो यार ये जो मेरा ईएक्सपी कार्ड है वो भाई मेरे गेम में 1 घंटे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब भाई इस 1 घंटे में मैं जितना भी मैच खेलूंगा ना उसमें जो मेरे को ईएक्सपी पॉइंट मिलेगा वो भाई यार लगभग डबल होके आएगा। जैसे भाई ये वाला मैच जो खेला था आर्केड वाला वो भाई यार मैं बिना ईएक्सपी कार्ड को यूज करके खेला था तो जिसमें भाई यार मेरे को मिला था 603 ईएक्सपी पॉइंट। अगर भाई मैं इसी गेम को खेलने से पहले ईएक्सपी कार्ड को यूज कर लेता ना तो भाई यार मेरे को 603 के जगह लगभग 1200 ईएक्सपी पॉइंट देखने को मिलता। तो गाइस जो 2x ईएक्सपी कार्ड रहता है वो सिंपल सा हमारा जो ईएक्सपी पॉइंट रहता है उसको डबल कर देता है। तो भाई यार आप लोग को गेम खेलने से पहले सिंपल सा यार ये 2x ईएक्सपी कार्ड को यूज कर लेना है। एक जो कार्ड रहता है ना वो लगभग 1 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है। मतलब आप उस 1 घंटे में जितना भी मैच खेलोगे ना उसका भाई ईएक्सपी डबल होके आएगा। तो भाई यार आप हर 1 घंटे बाद ये जो ईएक्सपी कार्ड है उसको यूज कर लेना जिससे भाई यार आपका जो जितना भी मैच खेलोगे ना उसका ईएक्सपी डबल होते जाएगा। लगभग आप समझ सकते हो कि आपका लेवल ना दुगनी स्पीड से बढ़ा देगा ये ईएक्सपी कार्ड को यूज करे हुए। तो अब भाई अधिकतर बंदों का कंफ्यूजन होगा कि ये जो ईएक्सपी कार्ड है वो हम लोग को कहां से मिलेगा घर पे, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं यार। तो गाइस ईएक्सपी कार्ड कलेक्ट करने के लिए यार आपको सिंपल सा विनर पास वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब भाई यहां पे देख सकते हो अलग अलग आरपी पे आप लोग को यार ईएक्सपी कार्ड देखने को मिल रहा है। जैसे 9 आरपी पे देख सकते हो मिल रहा है, 3 आरपी पे भी मिल रहा है, 4 आरपी पे भी मिल रहा है यार ईएक्सपी कार्ड। वहीं भाई यार इधर साइड 14 आरपी पे भी देखने को मिल रहा है, साथ में 19 आरपी पे भी देखने मिल रहा है। तो भाई यार हर सीजन के विनर पास में यार आप लोग को बहुत सारे ईएक्सपी कार्ड देखने मिल जाएंगे तो उनको भी आप कलेक्ट कर सकते हो। साथ में भाई यार आप लोग को कभी कभी ये जो इवेंट वाला सेक्शन है ना वहां पे भी यार आप लोग को ईएक्सपी कार्ड देखने मिल जाएगा। जब भी कोई इवेंट वगैरह आता है ना तो उसमें भाई यार आप लोग को ईएक्सपी कार्ड देखने मिल जाता है। फिलहाल तो भाई यार अभी कोई इवेंट नहीं चल रहा पबजी लाइट में तो यार हम लोग को ईएक्सपी कार्ड इवेंट वाले सेक्शन में देखने नहीं मिल रहा। इसके अलावा यार आप लोग अपने क्लैन की तरफ से भी यार ईएक्सपी कार्ड खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लैन में आ गया और शॉप वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे देख सकते हो ईएक्सपी कार्ड बाई करने का ऑप्शन दिया गया है। 100 क्लैन पॉइंट से यार आप सिंपल सा एक ईएक्सपी कार्ड खरीद सकते हो। देख सकते हो यार मैंने एक ईएक्सपी कार्ड खरीद लिया और इसको इन्वेंट्री में भी आप लोग को जाके दिखा देता हूँ गाइस। तो देख सकते हो ये वाला जो है ना ईएक्सपी कार्ड इसी को मैंने परचेस किया। मैंने 5 बार यहाँ पे क्लैन से परचेस कर लिया है। क्लैन से जो आप परचेस करोगे ना ईएक्सपी कार्ड वो थोड़ा अलग रहता है और जो विनर पास में आप लोग को मिलता है ना वो वाला ईएक्सपी कार्ड अलग रहता है। वो कैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो क्लैन से आप ईएक्सपी कार्ड खरीदे रहोगे ना उसको जब आप एक बार यूज करोगे तो वो यार आपके 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है। देख सकते हो लिखा भी हो यार 2x ईएक्सपी कार्ड 1 डे ऐसे करके। मतलब इसको एक ईएक्सपी कार्ड को यूज करोगे ना तो 24 घंटे के लिए यार आपका जो ईएक्सपी पॉइंट है वो डबल होते जाएगा। वहीं भाई ये जो हम लोग को विनर पास या फिर इवेंट सेक्शन में जो ईएक्सपी कार्ड मिलते हैं ना वो भाई यार 1 ही घंटे के लिए अवेलेबल रहता है। तो भाई यार आप क्लैन से जो परचेस करोगे वो खतरनाक टाइप रहता है, वो भाई यार पूरे 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है। तो भाई यार आप इसको परचेस कर सकते हो सिंपल सा क्लैन में जाके। तो भाई यार मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि यार आप कैसे ईएक्सपी कार्ड ले सकते हो। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। मैंने भाई यार अपने तरफ से पूरा ट्राई किया आप लोग
को पूरा डिटेल में बताने का ट्राई किया कि यार आप अपना लेवल को कैसे एकदम जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हो। बाकी फिर भी अगर आप लोग को कोई भी प्रकार का डाउट हो इस वीडियो से तो यार आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं भाई यार रिप्लाई करने का जरूर से जरूर ट्राई करूंगा। तो यार वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हारा भाई यार ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए गाइस फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।